सब्सक्राइब करें सीखने की तमन्ना चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। लेडीज शर्ट बनाने के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट के अंदर मैंने शर्ट की कटाई बताई थी, अब मैं पार्ट नंबर 2 में शर्ट की सिलाई बताऊंगी। तो उसके लिए पहले गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए ये चौरस पीस मैं काट लूंगी, जितना हमारा गले की चौड़ाई है उससे दो उंगलियां इधर से, दो उंगली इधर से, फालतू लेके एक चौरस पीस या आयताकार पीस जैसा भी आपका बैठेगा, लंबाई चौड़ाई के अनुसार इस तरह से एक पीस ले लूंगी मैं और इस तरह से गले को इसके ऊपर रखूंगी। दोनों तरफ से कपड़ा बराबर का बचना चाहिए। गले के साथ साथ सिलाई लेके आएंगे। जैसे हमारा पीस जो है लग जाएगा। ये पीस लगने के बाद पैर का फालतू रखते हुए कटिंग करेंगे। नोक बनाने के लिए कट लगाएंगे, थोड़े थोड़े कट यहाँ जहां से मोड़ खाता है वहां पे कट लगाएंगे ताकि जो मोड़ काटते हुए हमें परेशानी ना हो। आप पीछे वाली साइड से इसी शेप में इस पीस को भी काट देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ के इस पट्टी के ऊपर सिलाई हक को बाहर वाली साइड रखते हुए किनारे का टांका लगाएंगे। गले में ज्यादा फिनिशिंग लाने के लिए नाखून से प्रेस जरूर करेंगे। सुई की नोक अंदर रखते हुए इसको मोड़ देंगे, इस तरह से नोक बनाएंगे। देखिए इस तरह से कच्चा डाल लेंगे। गले को इस तरह से नाखून से बिठाते हुए कढ़ाई वाला सूट है, थोड़ा हार्ड गला हो जाता है तो सुई थोड़ी मुश्किल से निकलती है, पर फिर भी हमें इसको करना है। यहाँ से इस तरह से नाखून से उंगलियों से इसको अच्छी तरह से हिमरोड़ देते हुए इसकी नोक बनाएंगे। इस तरह से नोक बनाएंगे।
थोड़ी कमी पेशी तुरपाई करते हुए ठीक कर लेंगे। ऐसे हमारा गला तैयार हो जाएगा। प्रेस से इसकी क्रीज जरूर उठाएंगे। ये करने के बाद हम ये प्लेट डालेंगे। ये देखिए, ये प्लेटों के निशान दिख रहे हैं, जो इनको डालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। लंबा धागा छोड़ेंगे। इस प्लेट को देखिए, यहाँ से थोड़ा बीच में गहराई में हो जाएगा, थोड़ा से पतला, और इस धागे को हम आपस में इस तरह से गांठ बांध देंगे ताकि जो हमारी प्लेट है वो आगे उधड़ ना पाए। धागे को काट देंगे। इस तरह से हम सारी प्लेटें डालेंगे। इस प्लेट को हम बारीक डालेंगे। प्लेट जो है हमारी यहां तक रहेगी। लंबा धागा छोड़ेंगे। इसी तरह से न्यूट्रल प्लेट डालेंगे। एक साइड की प्लेटें डाल दी हैं, अब दूसरी साइड की डालेंगे। आप देखेंगे हमारी ये फ्रंट की प्लेटें जो है वो डल चुकी हैं। अब हम बैक गला बनाएंगे। बैक गले के लिए एक चोर्स कपड़ा लिया है, तो इसको तिरछी तैयार लगाएंगे। रेप टेप काटने के लिए
इस तरह से रेप टेप काटेंगे बैक पीस के लगाने के लिए बैक गले पे। इस तरह से हमारी बैक पीस पे लगाने के लिए रेप टेप तैयार है। तो इसको हम इस तरह से जोड़ लगाएंगे, एक की नोक इधर रहेगी, दूसरे की नोक इधर रहेगी, और ये टांका लगाते हुए दोनों की नोक जो है आगे बढ़ा के रखनी है थोड़ी सी। इस तरह से जोड़ जो है सही लगेगा, ये नोक को इधर बढ़ाएंगे, थोड़ी सी इधर बढ़ाएंगे, तो जोड़ जो है बिल्कुल ठीक लगेगा। आप देखेंगे जोड़ जो है ये ठीक लगा है। अब हम बैक गले में ये टेप को लगाएंगे। टेप लगाते हुए टेप को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और गले को थोड़ा खींच के रखेंगे। इस तरह से हम ऊपर से खींचेंगे और रेप टेप को ऊपर की तरफ धकेलेंगे ताकि ये बहुत लूज लगे। इसको फोल्ड करते सिलवट नहीं आएगा, इसलिए ढीली लगानी है। जरिया जोड़ पे आएंगे, जोड़ को ऐसे प्रेस कर लेंगे। सीधी साइड से नाखून से प्रेस करते हुए जो सिलाई हक को ऊपर वाली साइड रखेंगे और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखेंगे आप, पहले तो इसको नाखून से प्रेस करेंगे, सिलाई हक जो है इधर ऊपर वाली साइड रखेंगे और इसको अंदर फोल्ड करेंगे, जो चौड़ाई हमारी इतनी रहेगी। किनारे का टांका लगाएंगे, प्रेस जोर करेंगे नाखून से ताकि जो हमारी पाइपिंग है वो सफाई से लगे। दूसरी प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे, ये फ्रंट पीस के पहले तीरे जोड़ेंगे। तीरे
तीरा जोड़ते टाइम जो हमारी ये गले की पट्टी है इसको हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से यहाँ से गला शुरू करेंगे। पक्का जोड़ करेंगे। दूसरी साइड का तीरा जोड़ेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ फिटिंग का निशान जो हमारा पहले लगा हुआ है जैसे हमने यहाँ से 20 इंच रखना है, थोड़ा सा खुला रखेंगे, सिलाई लगाते हुए थोड़ा सा बाहर सिलाई लगाएंगे। और हमने हिप जो है 22 इंच की तैयार करनी है। ये देखिए ये 22 इंच की हिप तैयार करनी है। हमारा जो निशान है बिल्कुल सही आ रहा है 22 इंच निशान के ऊपर, अच्छी फिटिंग आई हुई है। यहाँ रोक के इसको वापस लेके जाएंगे। दूसरी साइड लगाएंगे। से थोड़ा फालतू बढ़ जाए तो कटिंग में इसको सेट कर देंगे। मेरी शर्ट की फिटिंग हो चुकी है, अब बाजू के जोड़ लगाएंगे। बाजू के जोड़ लगाना है। एक बाजू पे जोड़ आएगा, एक बाजू हमारी पूरी पूरी बनी है।
आप देखेंगे बाजू पर जोड़ लगा लिया है मैंने, बैक साइड में थोड़ा कम जोड़ आएगा, जो बैक साइड से कपड़ा उतरा था ये फ्रंट से कपड़ा उतरा है, तो थोड़ा जोड़ जो है थोड़ा ज्यादा आया है, क्योंकि गले के जो सेंटर में कढ़ाई कर देते हैं तो उसके हर एक शर्ट की बाजू में जोड़ आता ही आता है, तो इस प्रकार से हमने ये जोड़ लगा लिया है। आप जोड़ लगाने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं, बाजू बनाएंगे, नीचे से मोड़ करेंगे, मोटा टांका लगाएंगे ताकि आप इस पर तुरपाई कर सकें। यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी, यहाँ से बाजू की मोहरी रखेंगे, जो भी आपका नाप है 5.5-5 इंच, इसी तरह से दूसरी तरफ मोड़ी रखते हुए 5 इंच इस तरफ से लाइन लगाएंगे पीछे, जब जोड़ के पास आएंगे जोड़ को थोड़ी सी नमी देंगे ताकि खिंचाव ना आए हमारा, ये हमारी शर्ट की आगे वाली गुलाई है और ये बाजू की आगे वाली गुलाई है, बाजू को लगाते टाइम शर्ट को उल्टा रखेंगे और बाजू को सीधा रखेंगे और बाजू को इस तरह से आर्म होल के अंदर डालेंगे, और जो हमारी ये सिलाई है बाजू की इसको हम शर्ट के साथ सिलाई के साथ सिलाई ना मिलाते हुए यहाँ आगे रखेंगे हल्का सा, और इस तरह से बाजू को डाल के देखेंगे कि हमारी बाजू जो है इसके अंदर फिट आ रही है, इस तरह से इसको नीचे मोड़ेंगे और यहां से हल्की सी बाजू को नमी देंगे, जहां पर बाजू का जोड़ आया है उस कपड़े को भी थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे नमी देंगे ताकि खिंचाव ना आए, और बैक साइड में बाजू लगाते टाइम बाजू को ढीला छोड़ेंगे ताकि हमारी शर्ट में शर्ट पीछे चली जाती है तो वो नौबत नहीं आएगी अगर हम बाजू को पीछे से ढीला छोड़ेंगे। जब हम यहाँ कंधे पे आएंगे तो कंधे वाली सिलाई जो है ये बैक साइड में करके थोड़ी थोड़ी नमी देंगे
ताकि यहाँ पर कोई खिंचाव ना आए। जहाँ प्लेट आएगी वहां पे थोड़ी सी नमी देंगे। इस तरह से हमारी बाजू लग जाएगी। आप दूसरी बाजू लगाएंगे इसी तरह से। ये हमारा साइड वाली सिलाई है। थोड़ा उधर गया है, पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से। आर्म होल के अंदर डालेंगे और बैक जो फ्रंट पीस है बाजू को थोड़ा आगे रखेंगे और इस तरह से नमी लेंगे। इसी तरह से जोड़ को थोड़ा नमी देंगे। जब आगे वाले पीस पे बाजू लगाएंगे तो थोड़ा बाजू को हल्का सा खींचेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा। यानी कहने का मतलब है कि बैक साइड में बाजू ढीली लगनी चाहिए और ये कंधे की शेप को फिर पीछे थोड़ा कपड़े को करेंगे। हमारी दोनों बाजू लग चुकी हैं। आप देखेंगे शर्ट तैयार है। अब नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे फोल्ड करने के लिए हमारी जो है ये डिजाइन वाली पट्टी लगी थी, तो नीचे हमारे टर्निंग के लिए कपड़ा नहीं बचा था। हम थोड़ी अलग से कपड़ा लगा के इसकी रिकॉर्डिंग पूरा करेंगे। ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि ये कपड़ा जो है हमारा दब जाए। मोटे बखिये से पीछे वाली मोड़ करेंगे जो नीचे वाली घेरे के, इस तरह से यहाँ पे तुरपाई बनेगी जो हाथ से करनी पड़ती है। आगे की टर्निंग हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दी लगी हुई है और ये साइड वाला मोड़ करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से।
तरह से मोड़ देंगे। वाले कपड़े को ढीला छोड़ेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है नीचे की साइड ना बढ़े, बिल्कुल पूरा ना चाहिए। इस तरह से हम ये कच्चा मोटा टांका लगा लेंगे जिसको तुरपाई के बाद उधेड़ देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड करेंगे तो हमारी लेडी शर्ट तैयार है। यहाँ से मोड़ करते हुए थोड़ा कपड़े को ऊपर रखेंगे ताकि ये नीचे से दिखाई ना दे। तैयार है लेडी शर्ट बनाइए और अपना अनुभव नीचे कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करें।